हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तन्नु। सो आज हम जा रहे हैं लाजपत नगर मंटे पटरी मार्केट में, एंड वहां हम देखेंगे कि आपको क्या क्या नया लेटेस्ट कलेक्शंस देखने को मिलता है। सबसे नेड़ी जो मेट्रो स्टेशन है वो लाजपत नगर ही है। लाजपत नगर गेट नंबर 5 से आपको एग्जिट करना है एंड आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है। सामने आपको दिख रहे होंगे रिक्शे वाले भैया, वो आपको बोलेंगे कि आपको मार्केट ड्रॉप कर देंगे, बट आपको रिक्शा नहीं लेना है क्योंकि जो मार्केट है वो रोड के अदर साइड से ही स्टार्ट हो जाती है। सो आपको जाना है अदर साइड। अदर साइड आने के बाद आपको जो है सबसे पहले ये पर्स वाले भैया की शॉप देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ पे आपको हर टाइप की वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगे बैग्स के। लुक एट दिस, ये रैबिट वाला बैग 250 रुपीज़ का था, बहुत ही अमेजिंग था। इसमें आपको कलर ऑप्शंस वैरायटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आपको अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए हैंडबैग चाहिए, टोट बैग चाहिए, स्लिंग बैग चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कलर वैरायटी ऑप्शंस थे। एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपको पॉपुलर ब्रांड के ड्यूप भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनका प्राइस था 350 रुपीज़ का, बहुत ही अमेजिंग था। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है। एंड हफ्तों के सातों दिन ये भैया लगाते हैं, मंडे वाले दिन भी लगाते हैं, अदर डे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लुक एट दिस, गुच्ची का भी ड्यूप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के पर्सेस के कलेक्शन मतलब बहुत थे, बॉक्स वाले थे। एंड आपको जो साइड बैग मिल जाएंगे, क्लचेस भी मिल जाएंगे। एंड यस, अगर आपको कुछ बड़े साइज़ में टोट बैग चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, लाइक ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए लैपटॉप बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। इनका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है, 600, 500, 800, 1000 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएंगे। उसके ठीक सामने ही ये ज्वेलरी वाले भैया कलेक्शन लगाते हैं आपको, जिसमें ऑक्सीडाइट भी आपको देखने को मिलेंगे, कुंदन वाले भी देखने को मिल जाएंगे। 100 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। नेक पीसेस की वैराइटीज़ काफ़ी थी। ठीक इसी के साथ में आपको इस तरीके के समर ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे, लाइक कुर्ती प्लाजो का सेट, ये 600 रुपीज़ का था। एंड इस टाइप के जो ड्रेसेस हैं कुर्ती वाले, ये तो आपको पूरी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो मैं ज़्यादा कुर्तियाँ दिखा के आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अंदर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शंस को मैंने कैप्चर किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। साथ में ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको जीन्स की वैराइटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन सभी का प्राइस था 250 रुपीज़ का, मतलब ठीक ठाक थे, एवरेज थे, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, एवरेज है। एंड यहाँ पे आपको जो है टॉप वगैरह के भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, बट वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगे तो मैंने उसे कैप्चर नहीं किया। एंड आगे आपको सॉफ्ट टॉयज़ के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, इनका प्राइस था 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। साथ में यहाँ पे आपको मैट्स के भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, लाइक 250, 550, 750 रुपीज़ में। एंड बेसिक अगर आपको डेली यूज़ का कुछ मटेरियल चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे अब आगे जाएंगे आपको कुछ इस तरीके का एंट्री गेट नज़र आ जाएगा। सो हमने ये मार्केट में एंट्री कर ली है। मंडे वाले दिन ज़्यादातर आपको पटरी कलेक्शन देखने को मिलता है, शॉप्स भी ओपन होती है बट बहुत ही कम, ज़्यादातर शॉप्स जो है वो बंद रहती है मंडे वाले दिन। एंड उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपको यहाँ पे पर्स की वैराइटीज़ देखने को मिल जाएगी, जस्ट 100 रुपीज़ में भी आपको काफ़ी सही वैराइटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पॉकेट वाले पर्सेस के भी कलेक्शंस, बैग के कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड इस तरीके का जो बैग्स था इनका प्राइस था 350 रुपीज़ का। एंड भैया ने जो नीचे डिस्प्ले कर रखे थे इन सभी का प्राइस था 250 रुपीज़ का। तो स्लिंग बैग, टोट बैग आपको मिल जाएंगे, उसकी भी वैराइटीज़ थी, भैया अभी लगा रहे थे। मतलब हम पहुँच गए थे 11:30 बजे तक, तो 11:30-12 बजे तक प्रॉपर मार्केट लग जाती है। सो ये डोलमा आंटी के मोमोज हैं, उसी के ठीक साथ में ये भैया लगाते हैं। एंड हमेशा इनका कलेक्शन सेम ही प्लेस पर लगता है। उसकी ठीक साथ में अगर आपको कुछ होम डेकोर का सामान चाहिए, इस टाइप के कुछ मतलब जो फैंसी बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। भैया ये कितने का है? 200। एंड जो ये डिस्प्ले हो रखे हैं नीचे, इनका प्राइस था 100 रुपीज़ का। इसी के ठीक साथ में ही आपको यहाँ पे मेकअप के भी कलेक्शन देखने को मिलेंगे, जिनकी स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से हो जाती है, लाइक लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये 50 रुपीज़ के थे, ब्यूटी ब्लेंडर छोटू वाले बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। एंड नेल पेंट 50, 60, 80, 100 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं सही सही। एंड जो है आई शेडो वगैरह मिल जाएंगे, मेकअप ब्रशेज वगैरह मिल जाएंगे, बट ये ड्यूब होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। ड्यूब के लिए कम्फर्टेबल है तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके जस्ट आगे ही आपको इस तरीके के हैंडमेड वाले एयरिंग्स के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मतलब सारे मिक्सअप थे। 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारे प्यारे आपको हुक के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें नो डाउट वैराइटीज़ तो आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी।
एंड साथ ही में भैया ने जो है इंडियन ज्वेलरीज के कलेक्शंस भी लगा रखे थे, लाइक ईयरिंग्स के आप देख सकते हैं। एथनिक वेयर में बहुत ही सही थे, कुछ नेक पीसेस भी थे एंड राइट हैंड साइड में आपको एथनिक वेयर के कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। अभी आगे मैंने और भी एक्सप्लोर करा है, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसे बड़े बड़े शोरूम नज़र आएंगे, लाइक आप देख सकते हैं इंसेंस के शोरूम में। मतलब अगर किसी भी मार्केट में मैं जाऊँ एंड वहाँ पर अगर इंसेंस अवेलेबल हो तो उनकी कलेक्शंस की तो बात ही अलग होती है। बहुत ही अमेजिंग पार्टी वेयर कलेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ शूट्स वगैरह करवाना है, किसी पार्टी में, इवेंट में जाना है, तो मतलब इससे बेहतर तो ऑप्शंस शायद ही कोई और मिले मार्केट में। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नारंग सेंस में भी हमेशा आपको जो है एथनिक वेयर की कलेक्शंस बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलते हैं। मतलब लेटेस्ट जो भी मार्केट में ट्रेंड में चल रहा होता है वो सभी वैरायटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। शरारा के, गरारा के, सूट्स के, लिबास में एज यूजुअल आपको बहुत ही प्यारे कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। लुक एट दिस गाउन वगैरह एंड 50% का ऑफ भी चल रहा था यहाँ पे। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको इस तरीके के जो स्टॉल नज़र आएंगे, छोटे छोटे शॉप नज़र आ जाएंगे जहाँ पे आपको एथनिक वेयर की कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। शरारा, गरारा, कुछ पटियाला टाइप सूट्स वगैरह बहुत ही अमेजिंग होते हैं एंड इस तरीके के जो बटरफ्लाई वाले ब्लाउजेस हैं इनका प्राइस होता है 1000 रुपीज़ का। बार्गेनिंग नहीं होती है ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत आप मतलब कर लीजिएगा। फिक्स प्राइस बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं भैया, बट आप इसलिए बार्गेनिंग कर लीजिएगा। एंड इस बार जो मार्केट में मुझे बिल्कुल लेटेस्ट ब्लाउज देखने को मिला वो ये वाला, बहुत ही प्यारा लुक दिख, 1250 रुपये का बताया था भैया ने। एंड इसमें आपको कलर ऑप्शंस वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक ये सीता फैब्रिक्स, उसके ठीक सामने ये शॉप है। तो यहाँ पे आपको जो मतलब पॉपुलर ब्रांड के डूब होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं सब्यसाची सिंस पैर ब्लाउजेस के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे एंड आपको इस तरीके के लहंगे वगैरह के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। मतलब एथनिक वेयर के लिए तो मैं हर बार कहती हूँ कि लाजपत नगर मार्केट मतलब बेस्ट मार्केट है। लोकेशन आपसे शेयर कर देती हूँ, सीताराम फैब्रिक है, उसी के ठीक सामने ये सारी शॉप आपको वन बाय वन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड आगे आप जाएंगे तो आपको मेहंदी वाली लेन नज़र आएगी, जहाँ पे अगर आपको कुछ शादी से संबंधित जो भी सामान लेना हो, हल्दी मेहंदी संगीत के लिए एंड इस तरीके के लटकन डोरी वगैरह, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर शॉप्स नहीं लगी थी, मतलब जो पटरी कलेक्शन थे वो नहीं लगे थे, मंडे वाले दिन एक दो लगे थे ज्वेलरी के। तो आप ये देख सकते हैं इनकी स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से हो जाती है, मतलब 100 रुपीज़ में आपको रिंग्स के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 250, 350, 450, 550 इस तरीके का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता रहता है, डिपेंड ऑन कि आप क्या परचेज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ नेक पीसेस का प्राइस था 250 रुपीज़ का जो सबसे फर्स्ट में पड़े हैं एंड इसके बाद कुछ इस तरीके के आपको मिल जाएंगे 550, 650, 750 रुपीज़ का। बार्गेनिंग हो जाती है तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप कर लीजिएगा। सो इन शॉर्ट ब्राइट टू नॉन ब्राइट हर तरीके की ज्वेलरी के कलेक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन हम उसके बाद मार्केट में अंदर की साइड गए, अंदर आपको इस तरीके के रिंग के कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। इनका प्राइस था 600 रुपीज़ का, ये फिक्स प्राइस होता है, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है। पूरी मार्केट में अगर आपको इस टाइप के कुर्तियों के प्लाजो के सेट मिलेंगे तो वो हर जगह मतलब एक ही रेट है 600 रुपये का, तो बार्गेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लोर लेंथ तक आपको इस तरीके की कुर्तियाँ मिल जाएगी एंड इसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है, तो फिटिंग आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड साइजेस भी सारे मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं, नो डाउट बहुत ही कलर थे, ऑप्शंस थे। कॉटन का फैब्रिक था यहाँ पे एंड उसके साथ में ही आपको यहाँ पे लॉन्ग ड्रेसेस के भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, लाइक वन पीसेस के कलेक्शन थे यहाँ पे जिसका प्राइस था 550 रुपीज़ का। इसमें भी बहुत ही कलर थे, ऑप्शन थे, वैरायटीज थी एंड मटेरियल फैब्रिक की बात करें तो मिक्सअप था, जॉर्जेट की भी थी, कॉटन के भी थे एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करके ले सकते हैं एंड मुझे जो जो अच्छे लगे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है। सो भैया बता रहे थे कि वो कभी भी ऑफ पे नहीं रहते, 365 दिन वो वर्क ही करते हैं, तो ये स्टॉल तो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा मंडे भी एंड अदर डे भी। मार्केट में जाने का जो बेस्ट टाइम है 11:30-12 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं एंड इवनिंग तक, नाइट तक ये मार्केट मतलब 8-9 बजे तक ऐसी ही लगी रहती है। आगे आपको यहाँ पे जो है इस तरीके के घर में पहनने के स्लीपर्स मिल जाएंगे, इसका प्राइस था 250 रुपीज़ का। बूट्स के भी कलेक्शन थे, उसका प्राइस मैं पूछना भूल गई एंड स्लीपर वगैरह भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। बच्चों के भी ड्रेसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लुक एट दिस पार्टी वेयर गाउन टाइप, बहुत ही प्यारे प्यारे एंड अमेजिंग थे। तो ये वाली शॉप है, आप चेकआउट करना चाहे कर सकते हैं, ये मार्केट में अंदर की साइड आपको मिल जाएगी शॉप एंड कुशन्स वगैरह, बेडशीट वगैरह तो मतलब जगह जगह मिलने वाले हैं। देन उसके बाद मैं आ गई शॉप नंबर 86 पे, हाई पे। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आपको जो है क्लिप्स के, हेयर एक्सेसरीज के, बेल्ट के कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, रिंग के कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं एंड ये आप देख सकते हैं चोकर सेट जस्ट 200 रुपीज़ का था, बहुत ही प्यारे थे एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
एंड आगे आपको इस तरीके के हेयर क्लिप्स की कलेक्शन देखने को मिल जाएंगी कोरियन स्टाइल के। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज यहाँ पे थी, लुक एट दिस कलर ऑप्शंस, मतलब बहुत प्यारे प्यारे थे। एंड पूरी मार्केट में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छे कलेक्शन लगते हैं लाइक हेयर एक्सेसरीज के या बेल्ट्स के या फिर रिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहीं पर अच्छे लगते हैं, मतलब इसी शॉप के अच्छे लगते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ से रिंग लेके जा चुकी हूँ, अभी भी मैंने वेयर कर रखी है, तो वो भैया के पास अभी नहीं थी तो उस वजह से मैंने नहीं परचेज़ करा। एंड ये वाले भैया के पास बिल्कुल न्यू बेल्ट के कलेक्शन आया है जो कि मैंने मार्केट में किसी और शॉप में नहीं देखी, तो ये भी आपको मिल जाएंगे 200 रुपीज़ में। एंड इस तरीके के गाउन बेल्ट वगैरह के भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे, पॉपुलर ब्रांड की ड्यूज भी मिल जाएंगे, नेक पीसेस मिल जाएंगे आपको, हेयर एक्सेसरीज़ के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भैया के पास 100 रुपीज़ के दो वाले रिंग का पेयर होता था, बट भैया ने कहा कि वो भी ख़त्म हो गया है। बहुत ही अमेजिंग थे एंड बहुत ही अच्छे थे वो, मतलब उसे मैं परचेज कर चुकी हूँ एंड अभी तक मैं वेयर करती हूँ, कलर उसका मतलब नहीं गया है। एंड अगेन यहाँ पे आपको चोकर सेट देखने को मिल जाएंगे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे एंड क्वालिटी भी अच्छी ही थी। उसके बाद ये जितने भी एरी से कलेक्शंस आप देख रहे हैं सभी का प्राइस था 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का यहाँ पे सेल आउट चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट करके ले सकते हैं। एंड यहाँ पे रिंग ये वाले जो है ये सब 50 रुपीज़ के हैं, तो 50 रुपीज़ में आपको जो है सिल्वर वाले भी मिल जाएंगे, आपको ऑक्सीडाइज भी मिल जाएंगे एंड अगर आपको कुछ एथनिक वेयर के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। वैसे तो ये मार्केट आपको हफ्तों के सातों दिन देखने को मिलेगी, बट मंडे वाले दिन पट्टी कलेक्शन ज़्यादा लगते हैं तो जिस वजह से कुछ शॉप्स बंद रहती है, एंड अदर डे आप जाएंगे तो सारे ही शॉप्स ओपन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड यस, जाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past.